आप देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल के नाते और राष्ट्रवादी असंगठित कामगार दल का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते मैं इस सीएम सोसाइटी और आज जो हमें महादुर डे जो मनाया जा रहा है, मैं राष्ट्रवादी असंगठित कामगार संगठन की जानिब से इसकी पुरजोर अल्फाज में इसकी हिमायत करता हूं और इसको समर्थन देता हूं। और जो मैं डिमांड यहां पर बोर्ड पर देख रहा हूं कि मालेगांव शहर के मजदूरों के लिए भी एक ओपन स्पेस उन्हें दिया जाए और क्यों ना दिया जाए, क्या ये उनका हक नहीं है क्या? इस शहर के अंदर ना जाने कैसे कैसे अहरे गहरे नत्तू खहरे यहां पर अपना अपना रजिस्ट्रेशन लेकर आते हैं और ना जाने बड़े बड़े ओपन स्पेसों के ऊपर नाक बनकर बैठे हुए हैं, तो क्या इस शहर के मजदूरों के लिए ओपन स्पेस नहीं होना चाहिए? हम देखते हैं कि शहर के अंदर बड़े बड़े ओपन स्पेसों को रजिस्ट्रेशन करना करा दिया जाता है, बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए जाते हैं। क्या ये जगह उनके बाप की है? ये जगह मालेगांव शहर की आवाम की है ना? अगर आपको अपने वालिद के नाम से, अपनी वालिदा के नाम से, अपने भाई के नाम से अगर बड़े बड़े हॉल बनवाने हैं, गार्डन बनवाने हैं, तो खुद की जगह खरीद कर बनवा कर नाम दो। कॉर्पोरेशन की जमीन, इस शहर की आवाम की जमीनों को कोई भी अदारे को रजिस्ट्रेशन करके उसके नाम पर अकाउंट किया जाता है, मां भवन में ठहराव करने जाता है और वहां पर वार्ड कंपाउंड का पैसे भी कॉर्पोरेशन से लिया जाता है, एक ऑफिस अंदर बना ली जाती है और अपने मरहूमिन के नाम से, मुआवजा के नाम से, वालिद के नाम से उसको बनाकर ताला मारकर चाबी जेब में रख ली जाती है। चलिए उनकी जाहिर हो गई। इस शहर के अंदर इतनी बड़ी अक्सरियत है मजदूरों की, हर साल हम देखते हैं कि 3 तारीख को यहाँ पर मजदूर डे मनाया जाता है। कॉर्पोरेशन, मैंने इससे पहले भी कुसुम्बा रोड के ऊपर कहा कि हम लोगों ने बनाया था जश्न टीपू सुल्तान, जश्न टीपू सुल्तान मनाना हमारा हक अधिकार है। क्यों? क्योंकि वो देश की आजादी के अंदर उनका बड़ा बलिदान है। सबसे पहले अगर अंग्रेजों की मुखालफत इस देश के अंदर किसी ने की थी तो वो टीपू सुल्तान ने की थी। लेकिन कॉर्पोरेशन के अंदर मुझे बता दीजिए कि जश्न में टीपू सुल्तान मनाया जाता है क्या? नहीं मनाया जाता है। उनकी शहादत के दिन नहीं मनाया जाता है, न उनकी जन्म पैदाइश के दिन मनाया जाता है। क्यों नहीं मनाया जाता? ये कॉर्पोरेशन इस शहर का एमएलए मुसलमान है, इस शहर का मेयर मुसलमान है, अब तक इस शहर की कॉर्पोरेशन में सबसे ज्यादा इकतदार पर रहे स्टैंडिंग चेयरमैन मुसलमान है। बावजूद इसके यहाँ के नायातों को, यहाँ की नायाजी को इतनी ज्यादा तकलीफें उठानी पड़ती है, तो इनका रहकर इस शहर में क्या फायदा? हमें इस शहर में एक नया इंकलाब बर्पा करना होगा और जब तक इस शहर की आम जनता अपने हक और अधिकार के लिए अपनी आवाज को बुलंद नहीं करते रहेगी, यहाँ पर इसी तरीके से चोर और डाकुओं का राज रहेगा। हमें अपना हक अधिकार मांगने का पूरा अधिकार संवैधानिक अधिकार है और हम संविधान के दायरे के अंदर आज यहाँ पंडाल लगाकर अगर इस शहर की बड़ी अक्सरियत के मजदूर यहाँ बैठे हैं तो ये इनका संवैधानिक अधिकार है जो इनसे कोई छीन नहीं सकता। और हमारा हक मांगना अधिकार के मजदूरों को कि उनको उनका हक मिलना चाहिए, वो कुछ रोजी रोजगार नहीं कर सकते, घर बैठते हैं, कम से कम उन्हें इतना मुआवजा मिल जाए कि वो घर बैठ कर पूरे वक्त की रोटी सुकून से खा सके, यही तो मांग रहे हैं ना? तो देने में हरकत क्या है? क्यों ठहराव के अंदर इस विषय को नहीं लिया जाता? ठहराव में क्यों उसको पास नहीं दिया जाता? क्यों उसके ऊपर बात नहीं होती? बाकी इस शहर में तमाम विषयों को ठहराव लिया जाता है, जहां पर इनका मुफाद हो, इनका फायदा हो, वहां विषय लिया जाता है और जिस चीज पर इनका फायदा या इनका मुफाद नहीं हो वहां विषय में नहीं लिया जाता, इसको इग्नोर किया जाता है। अभी मैंने यह नारा सुना कि ये तो अभी लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मैं दुआ करूंगा कि ये लड़ाई फले न फलना नहीं चाहिए, ये लड़ाई दिन पर दिन इसमें ज्यादा इंकलाब आना चाहिए, ये लड़ाई इतनी शिद्दत से होनी चाहिए कि जब तक हम अपना हक और अधिकार नहीं लेते हम अपना अधिकार और हमारा संविधान अधिकार हम छोड़ेंगे नहीं।
इनके कानों में इतना खुलर कर दो कि ये इंकलाब जिंदाबाद के नारे से घबरा जाए। एक बार मेरे साथ सब लगाइए, इंकलाब 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 जिंदाबाद, इंकलाब 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 जिंदाबाद। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।